नमस्कार एंड वेलकम टू लाइम इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्ट ऑफ टॉप 20 प्रोडक्ट्स टू एक्सपोर्ट इन अर्जेंटीना। सो अर्जेंटीना में वैल्यूएशन के हिसाब से कौन सी ऐसी टॉप 20 प्रोडक्ट्स है जो सबसे ज्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट हुई है। अगले वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि ग्रोथ रेट कौन सी ऐसी टॉप 20 प्रोडक्ट्स में देखा गया है इंडिया से अर्जेंटीना के एक्सपोर्ट में। लेकिन वो वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वो बेल आइकन को क्लिक करना होगा ताकि जब भी हम ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आए तब आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। साथ ही साथ इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको वैल्यूएबल लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें ताकि आप दूसरों की भी हेल्प कर पाए और हमारी भी हेल्प कर पाए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 20 है वैक्सीन फॉर ह्यूमन मेडिसिन। ह्यूमन मेडिसिन में जो वैक्सीनेशंस ली जाती है ऐसी वैक्सीनेशंस की अर्जेंटीना में डिमांड ज़्यादा है। यहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स की जो लिस्ट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है और यहाँ पे वैल्यूएशन दी गई है 2021 की $1,000s में, तो आपको रिसर्च करने में हेल्प हो इसीलिए हम यहाँ पे फिगर्स देते हैं ताकि आप आसानी से रिसर्च कर पाए। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट नंबर 19 है फंगीसाइड्स पुट अप इन फॉर्म ऑफ पैकेजिंग फॉर रिटेल सेल और एज प्रिपरेशंस और आर्टिकल्स, राइट, जो रो हो और प्रिपरेशंस के हिसाब से बेच सके इस तरह से हो या तो पैकेजिंग में अवेलेबल हो रिटेल सेल्स के लिए, ऐसा फंगीसाइड्स चाहिए। अब जैसे पेस्टिसाइड्स रहता है ठीक उसी तरह फंगीसाइड्स भी रहता है। अगर आप एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं और फार्मिंग का आपको नॉलेज है तो आपको इस प्रोडक्ट के बारे में ज़रूर पता होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट नंबर 18 जो है वो है केमिकल कंपाउंड प्रोडक्ट है और अगर आप केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। आप ये प्रोडक्ट ज़रा नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे अर्जेंटीना में अगर हम वैल्यूएशन देखें तो यहाँ पे एक सही वैल्यूएशन के अंदर ये प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट होती है। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज प्रोडक्ट नंबर 17 और ये भी एक केमिकल प्रोडक्ट है और यहाँ भी वैल्यूएशन जो है वो आप देख सकते हैं एक सही वैल्यूएशन में ये केमिकल प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट नंबर 16 है मेडिसिमेंस कंसिस्टिंग ऑफ मिक्स्ड और अनमिक्स्ड प्रोडक्ट्स फॉर थेरेप्यूटिक एंड प्रोफिलेक्टिक पर्पसेस। अब ये मेडिसिमेंट इंडस्ट्रीज के साथ अगर आप जुड़े हैं और मेडिसिंस के साथ जुड़े हैं और आप इसका सोर्सिंग या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है अर्जेंटीना में। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज न्यू न्यूमेटिक टायर्स ऑफ रबर ऑफ अ काइंड यूज्ड इन एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट्री व्हीकल्स एंड मशीन्स। जो फॉरेस्ट में और एग्रीकल्चरल में यूज होते हैं ऐसे व्हीकल्स के जो टायर्स रहते हैं ऐसे नए टायर्स की डिमांड वहां पे ज्यादा है। प्रोडक्ट नंबर 14 है वायर्स ऑफ आयरन नॉन एलॉय स्टील इन कॉइल्स प्लेटेड और कोटेड विद जिंक। जो जिंक के साथ प्लेटेड हो या कोटेड हो ऐसे वायर्स चाहिए आयरन और नॉन एलॉय स्टील के, राइट। प्रोडक्ट नंबर 14। प्रोडक्ट नंबर 13 है फ्लैट रोल प्रोडक्ट्स ऑफ आयरन एंड नॉन अलॉय स्टील ऑफ अ विड्थ ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 600 mm। अब ये प्रोडक्ट आगे इसी वीडियो में रिपीट होगी। इसी वीडियो में जो रिपीट होती है ऐसी प्रोडक्ट में माइनर वेरिएशन रहता है और इसी वजह से ये प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाती है। अब आपको कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए हम यहाँ पे ऐसी जो प्रोडक्ट्स रहती है जो एक ही वीडियो में हम रिपीट करते हैं एक ही लिस्ट में रिपीट होती है ऐसी प्रोडक्ट्स में यहाँ पे प्रोडक्ट कोड भी मेंशन कर देते हैं ताकि आपको रिसर्च करने में आसानी रहे। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट नंबर 12 है इंसेक्टिसाइड्स पुट अप इन फॉर्म ऑफ पैकेजिंग फॉर रिटेल सेल्स। जैसे फंगीसाइड्स था ठीक उसी तरह ये इंसेक्टिसाइड्स की भी डिमांड वहां पे ज्यादा है। प्रोडक्ट नंबर 11 है मोटरसाइकिल्स इंक्लूसिव ऑफ मोपेड्स रेसिप्रोक्रेटिंग इंटरनल कंबशन पिस्टन इंजन ऑफ अ सिलेंडर। ये अगेन इसी लिस्ट में हो सकता है माइनर वेरिएशन के साथ इस प्रोडक्ट में इस लिस्ट में रिपीट हो। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट नंबर 10 है एक्रेलिक पॉलीमर्स इन प्राइमरी फॉर्म्स, राइट। एक्रेलिक पॉलीमर्स की डिमांड वहाँ पे ज़्यादा है और इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में अगर हम देखें तो बहुत ही बड़े पैमाने में होता है और आपको बिल्कुल आसानी से जो है वो इसका सोर्सिंग भी आप कर सकते हैं। प्रोडक्ट नंबर 9 है फेरोसिलिको मैंगनीज। ये भी एक मिनरल प्रोडक्ट है और इसका भी आप सोर्सिंग जो है वो आसानी से कर सकते हैं इंडिया में। प्रोडक्ट नंबर 8 है अगेन एक केमिकल प्रोडक्ट है और इसका भी जो है वो कंपाउंड यहाँ पर दिया गया है और अगर आप ज़्यादा रिसर्च करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी प्रोडक्ट्स की जो लिस्ट है वो मौजूद है। प्रोडक्ट नंबर 7 है यार्न कंटेनिंग प्रीडोमिनेटली बट लेसर देन 85% ऑफ पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर बाय वेट, राइट। अब ये यार्न है, यार्न की प्रोडक्ट है और यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस जो है वो इसका दिया हुआ है। अगर आप यार्न या तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के साथ अगर आप जुड़े हैं और इसका सोर्सिंग कर सकते हैं तो ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जैसे मैं राइस में बताता हूँ कि उसी तरह यार्न भी एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि बहुत सारी कंट्रीज में यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। प्रोडक्ट
नंबर 6 है फ्लैट रोल प्रोडक्ट्स ऑफ आयरन और नॉन अलॉय स्टील ऑफ अ विड्थ ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 600 mm हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड, राइट। ये भी एक सेकंड वेरिएशन है जो प्रीवियसली मैंने बताया था, ठीक उसी तरह यहाँ पे इसका कोड जो है वो दिया गया है। अगर आप इसका सोर्सिंग कर सके तो ये प्रोडक्ट भी ऐसी है जो कि सिर्फ अर्जेंटीना ही नहीं दूसरी कंट्रीज में भी डिमांड में ऑलवेज रहती है इंडिया से एक्सपोर्ट होने में। टॉप 5 प्रोडक्ट्स में हम पहुंच गए हैं। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और वो बेल आइकन को क्लिक कर दे, हो सके अपना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर दे दे ताकि हमें इंस्पिरेशन मिलती रहे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहने के लिए। मोटरसाइकिल्स इंक्लूसिव ऑफ मोपेड्स विद रेसिप्रोकेटिंग इंटरनल कंबशन पिस्टन इंजन ICE इंजन के साथ बने हुए जो मोटरसाइकिल्स या तो मोपेड रहते हैं ऐसे ही व्हीकल्स की डिमांड वहाँ पे ज़्यादा है। प्रोडक्ट नंबर 4 है मोटरकार्स एंड अदर मोटर व्हीकल्स प्रिंसिपली डिजाइन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स, जो लोगों को लेके जाने के लिए जो बने हुए कार्स रहती है स्पेसिफिकली कार्स की डिमांड वहां पे ज्यादा है, इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 4 है। प्रोडक्ट नंबर 3 है टेक्सचर्ड फिलामेंट यार्न ऑफ पॉलिएस्टर, राइट। जैसे प्रीवियसली मैंने बताया था यार्न की इंडस्ट्रीज या तो आप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। इस लिस्ट में प्रोडक्ट नंबर 3 होना अपने आप में एक बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशन देख सकते हैं बहुत ही सही वैल्यूएशन के अंदर एक्सपोर्ट होता है। प्रोडक्ट नंबर 2 है हर्बिसाइड्स, जैसे इंसेक्टिसाइड्स था फंगिसाइड्स था ठीक उसी तरह हर्बिसाइड्स, ये एक हर्बल केमिकल रहता है और ये भी अब बहुत ज़्यादा डिमांड में है, दूसरी कंट्रीज में भी इसकी डिमांड जो है वो रेगुलरली देखी गई है और ग्रोथ रेट जो है वो इसका रेगुलरली कंट्री वाइज अगर हम देखें तो वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, तो ये भी एक कंसिडरेबल प्रोडक्ट ज़रूर है। अगर आप एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज के साथ है और इसका आप सोर्सिंग कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। इस लिस्ट की जो टॉप प्रोडक्ट है वो है मीडियम ऑयल्स एंड प्रिपरेशंस ऑफ पेट्रोलियम और बाइटुमिनस मिनरल्स नॉट कंटेनिंग बायोडीजल। अगर आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट का सोर्सिंग कर सकते हैं तो आपके लिए ये प्रोडक्ट नंबर 1 एक जरूर कंसीडरेबल प्रोडक्ट कह सकते हैं अर्जेंटीना में एक्सपोर्ट करने के लिए और इसको जरूर आप कंसीडर करिएगा। यहाँ पे आप वैल्यूएशन देख सकते हैं बहुत ही सही वैल्यूएशन के अंदर ये प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट होती है। लाइम इंस्टीट्यूट में हम कम्प्लीटली प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इनडेप्थ मैनर में ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाते हैं। अगर आप भी सही तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं तो अभी ही आपकी स्क्रीन पे दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट करके हमसे ज़्यादा इंक्वायरी कर सकते हैं। आज के लिए लाइम इंस्टीट्यूट के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बहुत ही जल्द ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम आपके सामने वापस हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।